हेलो स्टूडेंट, आज हम यूरोप महाद्वीप के भाग दो की बात करेंगे। अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप के पूरब में युवराट पर्वत स्थित है, ठीक है, जो कि एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। ठीक है, कौन सा पर्वत? युवराट पर्वत। किसकी सीमा बनाता है? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, जो युवराट पर्वत है वो रूस में स्थित है। अगर युवराट पर्वत की बात करें तो युवराट पर्वत के पूरब में जो रूस की भूमि है उसे साइबेरिया कहते हैं, और जो पश्चिम में वो आपके यूरोप महाद्वीप में आती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो आपका ये देश है कौन सा? स्पेन। स्पेन देश है, स्पेन देश के जस्ट डाउन यानी नीचे, इसे कहते हैं हम जिब्राल्टर। ठीक है, जो जिब्राल्टर है वो स्पेन देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्पेन देश में। लेकिन जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? जिब्राल्टर पर ब्रिटेन का अधिकार है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है, कि जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है, तो जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है? लंदन। ठीक है, लंदन जो है किस नदी पर स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लंदन किस नदी पर स्थित है, लंदन किस नदी पर स्थित है, तो लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। जो आयरलैंड का उत्तरी भाग है और ब्रिटेन पूरा का पूरा देश, इसे कहते हैं हम मिला के यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी तट पर स्थित है, और आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ठीक है, अभी इसी के साथ अगर हम बात करें बात है स्पेन और फ्रांस। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस और स्पेन के बीच जो ये पर्वतमाला है इसे हम कहते हैं पिरेनीज पर्वतमाला। क्या कहते हैं? पिरेनीज पर्वतमाला। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें, देखो फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रांस और स्पेन को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो फ्रांस और स्पेन को कौन सा पर्वत अलग करता है? पिरेनीज। कौन सा पर्वत? पिरेनीज, पिरेनीज पर्वतमाला। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें फ्रांस और इटली के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है, तो फ्रांस और इटली के बीच में आल्पस पर्वत। एग्जाम में पूछा जाता है कि आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है, तो आल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। यूरोप के किन दो देशों के साथ सीमा बनाता है या किन दो देशों को अलग करता है, तो जो आल्पस पर्वत है वो फ्रांस और इटली को अलग करता है। ठीक है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही याद करने वाली चीज़ें हैं, पिरेनीज पर्वत और आल्पस पर्वत। इसी के साथ फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में भी एक पर्वतमाला स्थित है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं अभी, तो जूरा जो पर्वत है वो यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। इसी के साथ फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी एक पर्वतमाला स्थित है जिसे कहते हैं, कौन सा पर्वत है? वास्जेस, वास्जेस पर्वत। ठीक है ना, तो देखो एग्जाम ऑफ व्यू से ये चारों की चारों पर्वत हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया गया है। हालांकि जब हम पर्वत पठार नदी पढ़ेंगे तो उसमें अलग से बताया जाएगा, लेकिन एक बात फिर से देखिए, स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत स्थित है, फ्रांस और इटली के बीच में आल्पस पर्वत स्थित है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत स्थित है, फ्रांस और जर्मनी जो दो देश हैं फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है?
फ्रांस और जर्मनी में वास्गेस पर्वत है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जो किस देश में स्थित है, स्पेन में, लेकिन जिब्राल्टर पर जो अधिकार है किसका है, लंदन का, ठीक है। जिब्राल्टर जो है किस, जो जिब्राल्टर जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जो जल संधि है किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगर जिब्राल्टर जल संधि, जो जिब्राल्टर जल संधि है किस किस को अलग करती है, तो अलग किसको कहेंगे, स्पेन और मोरक्को, दो देश है, स्पेन यूरोप का देश है, मोरक्को अफ्रीका का देश है। अगर महाद्वीप की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है। एग्जाम में भी उसे बहुत पूछा जाता है, इसे थोड़ा याद रखना सही से। इसी के साथ अगर हम बात करें यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, यूराल पर्वत जो कि यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है उसे कहते हैं हम यूराल नदी, ठीक है ना, क्या कहते हैं, यूराल नदी। यूराल नदी यूरोप पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल जो नदी है यूरोप से, यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। इसी साथ रूस से एक दूसरी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है जिसे कहते हैं हम वोल्गा नदी, कौन सी नदी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है वो वोल्गाई पर्वत, किस पर्वत से निकलती है, वोल्गा नदी जो है वोल्गाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। तो दो नदियां ये भी याद रखना, यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, वोल्गा नदी वोल्गाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। इसी के साथ अगर हम बात करें दुनिया के दो सबसे छोटे देश क्षेत्रफल में, सबसे पहला है वेटिकन सिटी, दूसरा है मोनाको। वेटिकन सिटी और मोनाको क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के दो सबसे छोटे, देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो इस प्रकार से पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के दो, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के दो सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी और मोनाको को दे देगा साथ, वेटिकन सिटी सेंट मैरिनो को साथ दे देगा, सेंट मैरिनो और मोनाको को साथ दे देगा। तो जो आपका इसमें सही आंसर है वो आपका वेटिकन सिटी और मोनाको, ठीक है। अगर इसी की बात करें मोनाको देश की बात करें तो मोनाको जो है फ्रांस और इटली, जो आपका फ्रांस और इटली के बीच में पर्वत है, कौन सा पर्वत है, आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत में स्थित है कौन सा देश, मोनाको। फ्रांस और इटली के बीच जो पर्वत है आल्पस पर्वत, वहां पर स्थित है कौन सा देश, मोनाको। मोनाको दुनिया का एकमात्र देश है जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व किस देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, पूरे दुनिया की अगर बात करें तो मोनाको एकमात्र देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर पूछे रहे एग्जाम में कि दुनिया के दो ऐसे देश जो स्थल रूप यानी दुनिया के दो ऐसे देश जो दूसरे देश के अंदर ही स्थित है, जैसे कि आपके वेटिकन सिटी, दूसरा सेंट मैरिनो। वेटिकन सिटी जो है वो रोम, इटली की राजधानी रोम, रोम के अंदर ही स्थित है, और सेंट मैरिनो भी कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, इसमें सही से थोड़ा ध्यान से एक बात भी से समझ लो, दुनिया के दो सबसे छोटे देश क्षेत्रफल में, पहला वेटिकन सिटी दूसरा मोनाको, पहला वेटिकन सिटी दूसरा मोनाको। वेटिकन सिटी अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें दुनिया की तो किसकी है, वेटिकन सिटी की, क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। लेकिन जो मोनाको देश है
और जनसंख्या घनत्व में दुनिया का पहला देश है जिसका सबसे ज्यादा किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में जो जनसंख्या निकालते हैं वो सबसे ज्यादा किसके मोनाको की। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दो ऐसे देश जो दूसरे देश के अंदर है तो आपका वेटिकन सिटी और सेंट मेरी। ठीक है, तो यहां से याद रखना या तो उत्तरी सागर है, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के अंतर्गत बाल्टिक देश भी कहा जाता है। तीन देश है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तीन देश कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, इन्हें हम बाल्टिक देश भी कहते हैं। अब देखो, जो लंदन है राजधानी ब्रिटेन की, वो टेम्स नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से जैसे आपके जर्मनी है, जर्मनी में कौन सा पर्वत स्थित है? अगर पूछा जाए कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ जाता है, तो अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। लेकिन अगर देश की बात करें तो देश के अंदर, यानी किस देश के अंदर है ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, वो जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डैन्यूब नदी निकलती है और ये एकमात्र नदी है दुनिया की जो पांच देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी एकमात्र राजधानी है दुनिया की जो पांच देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। इसके अंतर्गत डैन्यूब नदी सबसे पहले जो राजधानी आती है वियना, दूसरी जो राजधानी है ब्रातिस्लाविया, तीसरी जो राजधानी है बुडापेस्ट, चौथी राजधानी है बेलग्रेड, पांचवी जो राजधानी है बुखारेस्ट। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर कहाँ पर गिरती है, किस सागर में गिरती है? तो आपका आंसर होगा काला सागर। कौन से सागर में गिरती है? काला सागर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, पांच देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है और काला सागर में गिरती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले राजधानी आपकी वियना, दूसरी है ब्रातिस्लाविया, तीसरी है बुडापेस्ट, चौथी है बेलग्रेड और पांचवा है बुखारेस्ट। ठीक है ना, होकर गुजरती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम बात करें, ये आपका आयरलैंड है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कलम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।